कारी या किस नई तकनीक सब का जल्दी हो गया खेती में मशीनों के इस्तेमाल की बात द्वार खूब खुशी और पैदावार जी 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 सेंटर में विशेषज्ञ कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। लाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क। यूरिया का स्वत किया जा रहा है FCIL के गोरखपुर, HFCL की बरौनी इकाई और FCL सोने पर अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया। क्यों ही फायदा अनाज का उत्पादन की 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। हम सबका जो आ रही है तो खेती किसानी में तो महिलाएं प्रारंभ से ही अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। बहनों भाइयों, आज हमारे प्रदेश की कई एक महिला किसान इस और गैर सरकारी संगठनों के महिला किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता दिला रही हैं। एक महिला किसान सम्मेलन भी उपस्थित, कई महिला किसानों से बात करेंगे, उनके अधिकारों के बारे में जानेंगे और के बारे में जानकारी लेंगे। अधिकार हैं, कैसे इन्होंने जाना, इन आप सबसे पहले परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम मंजू तिवारी है, की रहने वाली हूँ, ब्लॉक भेटी, ग्राम चाचीपुर, गढ़थौली। मंजू जी, आप एक महिला किसान हैं, जब आपको तो आप कैसा महसूस करती हैं? मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने अधिकार को पाते हुए, अब लोग पहले मुझे नारी कहते थे, महिला किसान कहते हैं, मुझे इस पर बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। मंजू जी, जुड़ाव आपका प्यार से अपनी। मंजू जी, में किस कहां का और कैसे कैसे योजनाओं मिली और इतनी पहचान आपको किस तरह से मिली? सन 2006 में आरओ महिला किसान एक रैली निकली थी, उसी आरओ मंच समूह था, उस समूह में जुड़ के 5-5 रुपए जमा किए।
बनाया, संगठन बनाया, उसे हमने जो है संगठन से जुड़ते जुड़ते बाहरी दूर मीटिंग हुई, ऐसे से हम हर तरह से जान जागरूकता तर तत्व है। तो क्या इसके जो केंद्र में सम्मानित हुई संस्था है, 5 संस्था हमारे गांव में, जैसा कि मंजू जी ने बताया कि इन्हें महिला किसान के रूप में कैसे पहचान मिली। मंजू जी के बाद अब एक और महिला किसान से हम बात करते हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए, आप कहां से आई हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंता है, मैं जिला सहारनपुर ही पास में ही 8 किलोमीटर एक गांव है मेरा पटना जी। उसके मैं रहने वाली हूँ, मैं एक महिला किसान हूँ। आपको महिला किसान के रूप में पहचान कैसे मिली? 24 साल हो गए मेरे पति को के बाद में, मेरे 3 साल का तो 3 बच्चे, अगर मुझे पहचान कुछ नहीं हुई तो फिर पिछले 9-10 साल से एक आरओ प्रोग्राम जुड़ा, उसमें समूह बनाया, हर समूह बनाने के उसमें समूह में शामिल हुए, आना जाना हुआ तो उस आरओ प्रोग्राम में किसान महलों में जुड़े तो वहाँ तक पहचान हुई। पहली ट्रेनिंग हमारी जलंधर हुई थी 1 हफ्ते की, वहाँ जलंधर हमें सिखा गया था क्या काम करना पड़े खेती में, तो हमने वही सारा काम वहाँ 8 दिन ट्रेनिंग ली। उसके बावजूद हमने फिर अपने समूह को नहीं छोड़ा है, संस्था में जुड़े रहे अपने समूह में महिला किसानों के बनाकर। तो आपके गांव की और कितनी महिलाएं इस समूह से जुड़ी हैं और उनको क्या लाभ हुआ है? मेरी साथ 50 मेरे गांव की पटना की, हर सारी बहनों को खेती करनी सिखा रहे, सभी बहनों ने अपनी सब्जी गन्ना गेहूं धान सब फसल कर रहे, हम पानी अपने आप देते हैं, ट्रैक्टर तक बुआई करके हम नड़ाते हैं, बुआते हैं, काटते हैं, सब फसल अपने आप करा। कुंता जी, जब आप महिला किसान के रूप में उभर कर आई तो आपके परिवार के जो पुरुष सदस्य थे उन्होंने विरोध नहीं किया कि महिलाओं को तो वैसे घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है गाँव में, तो किस तरह से आपको आगे निकलने के लिए प्रोत्साहन मिला, कैसे निकली, पुरुष सदस्यों का किस तरह का सहयोग रहा? पुरुष सदस्य का विरोध करा, बहुत ज़्यादा विरोध करा, हम एक मर्द बनकर महिला किसान रहे, हम किसी से डरे नहीं है, तुम मरना तो मरना, जीना तो जीना, हमने अपने हाथ में लट्ठी फावड़ा लेकर अपना काम करा, खेत में रात को भी काम करा, हम किसी के विरोध में नहीं आए हैं। अगर हम आर्थिक पहलू की बात करें, आपके जो धन की बात करें, आपका आर्थिक पक्ष की बात करें, तो क्या इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है? हाँ, बढ़ोतरी हुई, हमारे पास छोटी सी झुग्गी थी रहने की, हमने हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे उनके साथ में रह कर ही उन्हें मिल कर ही हमने अपना सीमट मसाला फावड़े से बनाया, अपने बच्चों को भी सिखाया और लोगों ने विरोध भी कराया, देखा गया कैसे काम कर रही, तो हम नहीं मानने हैं किसी की बात, आज हम अच्छे खासे मकान में भी हैं, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हैं। बहनों भाइयों, जैसा कि कुंता जी ने बताया कि इनकी सफलता की यात्रा कैसी रही, कैसे इन्होंने एक सफल महिला किसान के रूप में पहचान बनाई। हमारे बीच में एक और प्रगतिशील महिला किसान हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं, इनकी प्रगति के बारे में भी इनसे बात करते हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहां से आई हैं और क्या नाम है आप? मेरा नाम लीलावती है और मैं विनोबा सेवा आश्रम से मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरा गाँव हुसैनापुर है और मैं जनपद शाहजहाँपुर से आई हूँ। आप एक प्रगतिशील महिला किसान हैं, प्रगतिशील महिला किसान आप बनी कैसे? पहले मेरी बहुत गरीबी हालत में, मतलब परिवार मेरा गरीब था, मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, घर में नहीं पढ़े लिखे थे तो उनको मैंने पहले पढ़ाया, उसके बाद नौकरी दिलवाई, छोटी मोटी नौकरी की, और हम जो है हमारे पास गरीबी की वजह से हमारे पास खेत भी नहीं था, और जब मैंने थोड़ा बहुत खेत किसी से लिया, मतलब बटाई करके मैंने सब्जी काम सीखा और अपनी जैविक खाद बनाते रहे, डायमो खाद बनाई, जैविक खाद बनाई, और अब मैंने
उसी से और अपने पति की कमाई से और कुछ अपनी कमाई से खेती से मैंने कुछ खेत खरीदा है। लीलावती जी, जो महिला किसान के रूप में आपने प्रगति की है, इसके लिए क्या आपको सम्मान भी कुछ प्राप्त हुए? कई जगह है, मतलब जो हम किसी भी विभाग में चले हो, मतलब किसी सब्जी के बारे में अच्छा हमारा काम हुआ तो हमें कई जगह हमें सम्मानित, चादरें उड़ाकर हमें सम्मानित किया गया। इस समय हमारी 70-71 साल की उम्र है, अब भी हम अपनी साइकिल से लाद के और मंडी तक पहुंचा जाते हैं, अपने आप साइकिल चलाते हैं और जो भी काम होता है बाजार का हम अपने साइकिल से चलाते हैं। बहनों भाइयों, लीलावती जी ने अपनी सफलता की कहानी हमको बताई कि किस तरह से इन्होंने इतनी सफलता अर्जित की और महिला किसान के रूप में एक सशक्त पहचान बनाई है। महिलाओं ने किया कमाल, चूल्हे से पहुंची चौपाल। बहनों भाइयों, ये नारा चारों तरफ अब सुनाई दे रहा है। आज महिलाएं घर से निकलकर बाहर आई हैं और देश विदेश तक हमारे देश की महिलाएं गई हैं और बहुत प्रगति की है। इसके पीछे कई गैर सरकारी संगठन, सरकार, सब लोग इनकी मदद कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में एक गैर सरकारी संगठन की संचालिका है जिन्होंने महिलाओं को महिला किसान के रूप में पहचान दिलाने में बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक गैर सरकारी संगठन की संचालिका नीलम प्रभा जी से। नीलम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नीलम जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं को महिला किसान के रूप में पहचान किस तरह से मिली और क्या आवश्यकता है? अगर हम शिक्षिका बनते हैं तो हमें शिक्षिका का दर्जा मिलता है, यदि हम कुछ डॉक्टरेट कर लेते तो हमें डॉक्टर नीलम सिंह लोग कहने लगते, नीलम प्रभात कहने लगते। लेकिन हमारी वो महिला किसान जिसके दम पर हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार टिकी हुई है, सारी अर्थव्यवस्था तीसरे और चौथे श्रेणी की है, दूसरे श्रेणी की है, वो कृषि पर है, तो ऐसी महिला किसान जो इसके एक्सपर्ट है, पंडित है, उसे ही उसकी वास्तविक पहचान नहीं है, जबकि भारत के संविधान में इक्वल राइट है। उसी काम के लिए पुरुष को कृषक कहा जाता है और महिला को उसके काम के लिए बिल्कुल भी पहचाना नहीं जाता। हमारा मुहिम यही है कि आज खेत और खलिहान में कहीं भी आप देखेंगे तो केवल और केवल महिला किसान दिखती है, पुरुष किसान गैर कृषि कार्यों की ओर हैं। ऐसी दशा में यदि हम उसे किसान नहीं मानते तो ना केवल एक सामाजिक नुकसान है बल्कि किसी कई तरह से राष्ट्रीय नुकसान भी है। किसानों को मिलने वाले जो इनपुट हैं वो उनको नहीं मिलते, उनका अधिकार नहीं मिलता, उनके क्रेडिट का कोई लाभ नहीं मिलता, उन्हें बैंकों में कोई दर्जा नहीं मिलता। तो अगर इन सब पर प्रोविजनों में जितने प्रोविजन से उनमें महिला किसान आए, किसान के दर्जे के रूप में आए, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, खेती किसानी में सुधार होगा और महिलाएं अपने को सम्मानित महसूस करेंगी। ये अभियान चला है तो इससे क्या फर्क हुआ है, महिलाओं में किस तरह के आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई? महिलाओं में आत्मविश्वास तो बहुत बढ़ा है, एक उदाहरण हम देख सकते हैं। ये महिलाओं के आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि विभिन्न पदयात्राओं में उनकी संख्या बढ़ती गई, एक्सटेंशन सर्विसेज में वो खुद दखल देने लगी और मांग करने लगी, जिससे रजिस्ट्रेशन में भी उनको दखल मिला, खाद बीज में उनको प्राथमिकता दी जाने लगी, जो सर्विसेज उन तक नहीं पहुंचती थी, तमाम सारे एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जिसमें उन्हें किसान मेले में कभी कोई आमंत्रण नहीं मिलता, कभी कोई स्थान नहीं मिलता, खरीफ गोष्ठी में बुलावा नहीं मिलता, गन्ना किसानों के साथ कोई चर्चा हो तो उन्हें नहीं बुलाया जाता, प्रशिक्षण में नहीं बुलाया जाता था, अचार मुरब्बा बनाने के प्रशिक्षण उनको कृषि के नाम पर देते थे। आज वो किसान के रूप में सम्मानित की जाने लगी हैं, ना किसान के रूप में, किसान का सम्मान केवल आज तक पुरुषों को मिला है। 2015 से ये मुहिम शुरू हुआ, इस साल 5-7 महिला किसान सम्मान से नवाजी गई हैं जो खेती किसानी के लिए हैं। तो आप देखेंगे दखल है, और एक बड़ा दखल का ही परिणाम है कि हमारी भारत सरकार ने महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की है, तो महिलाओं की अपनी पहचान महिला किसान के रूप में बढ़ रही है और इस प्रकार से वो किसान के रूप में पहचानी जा रही हैं, यानी कि एक उनको ओहदा मिला है। एक सामान्य महिला से एक सफल महिला किसान कैसे बना जा सकता है? एक सामान्य महिला किसान और सफल महिला किसान के कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण यहाँ मौजूद हैं और कई ज़िलों में मौजूद हैं, जिसने खेती किसानी को इतना संवारा कि आज वो गन्ने की पर्ची भी अपने नाम से लेके आ रही हैं, आज उसके हाथ में
कुछ पैसे हैं और मंडियों में भी उसका दखल बढ़ रहा है, कौन सी फसल लगाए वो निर्णय कर रही है, कहाँ फसल बेचा जाए ये निर्णय वो कर रही है, कौन सा खाद बीज हम इस्तेमाल करेंगे ये निर्णय वो कर रही है, हमारे बेटी की शादी कहाँ होगी ये निर्णय वो कर रही है, हम कैसे अपने घर में रहेंगे ये निर्णय वो कर रही है। तो यही एक सफलता का पैमाना है। नीलम जी, जैसा कि आप ये जागरूकता अभियान चला रही हैं, तो इस जागरूकता अभियान जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति आप चला रही हैं, इसमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? चुनौतियां तो इतनी विकराल हैं कि सबसे पहले तो ये जो कदम बाहर निकले हैं इसको हमें संभाले रखना है, और जिस मुद्दे के को लेकर हम निकले हैं वहाँ पर अंगद की तरह पैर जमाना है। डगमगाने के लिए बहुत सारे कारण हैं, कानूनी अड़चने भी हैं, जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसका महिला अधिकारों की बात करते ही घर तोड़ने वाले आ गए, ऐसा एक स्टिग्मा लगा रहता है। महिलाएं भी सोचती हैं कि आज हम बाहर निकल गए कल हमारी क्या गारंटी है, क्या व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो महिलाओं का इतना गिरा दिया गया है, इतना ज़्यादा बचपन से गिरा दिया गया है कि किसी भी काम को वो कर लेती हैं फिर भी उन्हें भरोसा नहीं होता कि हमने कर लिया है। दूसरा और भी है कि ये हिंदुस्तान, ये भारत देश रिश्तों का देश है, हमारे लिए बहुत प्रबल है कि हम अपने घर को भी उतना ही ठीक रखें जितना हम समाज को ठीक करने निकले हैं, तभी हमारी बात कोई मानता है। तो ये इन चुनौतियों के बीच में आर्थिक समस्याएं हैं, सांस्कृतिक समस्याएं हैं, समय की समस्याएं हैं, वातावरण की समस्याएं हैं, इतनी अपार चुनौतियों के बीच हम लोग महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। नीलम जी, जो आप यह प्रयास कर रही हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस प्रयास में सफल हों और महिलाओं को उनकी पहचान दिलाने में महिला किसान के रूप में आप सफल हों। बहनों भाइयों, जैसा कि नीलम जी ने बताया कि महिलाओं को महिला किसान के रूप में पहचान दिलाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कैसे वो इस पहचान को दिलाने में सफल हो रही हैं, नीलम जी ने जो बातें बताई, अन्य महिला किसान भी अगर इस पर अमल करेंगी और वो भी आगे निकलेंगी, आगे आएंगी, तो निश्चित रूप से वो भी सफलता की कहानी गढ़ेंगी। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। दिनों दिन बढ़ती गर्मी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। देश के अधिकांश हिस्से इन दिनों गर्मी की मार से बेहाल हैं। हालांकि पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बर्फबारी और बारिश ने मौसम में थोड़ी राहत पहुंचाई। मौसम विभाग की माने तो गर्मी से फिलहाल किसी राहत के आसार नहीं है और आने वाले दिनों में इसका असर और बढ़ेगा। हालांकि सुबह शाम हवा की मौजूदगी थोड़ी राहत पहुंचाएगी। आने वाले दिनों में संभावना है कि अधिकतम औसत तापमान लगभग 41 से 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान औसत रूप से 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
किसान भाइयों नमस्कार, कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें करेंगी प्रदेश के गांवों का विकास। राजधानी लखनऊ में की जाएगी पूर्वोत्तर के केलों की खेती। देश में पिस्ते की खेती को सफल बनाने की कोशिशें हुई तेज। प्रदेश सरकार किसानों को बांटेगी सोलर पंप और 20 अप्रैल को होगी कृषि दर्शन कार्यक्रम के सलाहकार समिति की बैठक। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की सभी चीनी मिलें अपने क्षेत्र में हर साल एक गांव गोद लेने का फैसला किया है। इसके लिए गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी 15 मई तक पिछड़े और अविकसित गांवों की रिपोर्ट देगी। जो गांव सबसे पिछड़े होंगे चीनी मिलें उन्हें गोद लेकर उनका विकास करेंगी। प्रदेश में इस समय 116 चीनी मिलें संचालित हैं जिसके आधार पर 116 गांवों का विकास होगा। ये चीनी मिलें गांवों में नाली, सड़क, पानी, बिजली और कृषि क्षेत्र की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगी। इस प्रकार ये मिलें अगले 5 सालों में 580 गांवों में विकास कर न सिर्फ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएंगी बल्कि सरकार के ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद करेंगी। देश के नॉर्थ ईस्ट की घाटियों में पैदा होने वाले केले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब नया अवतार लेंगे। जानकीपुरम स्थित बायोटेक पार्क में टिश्यू कल्चर तकनीक से इन केलों की नई पौध तैयार की जाएगी। इन पौधों का इस्तेमाल कर पूर्वोत्तर के किसान कम जगह और कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट में केले की कई प्रजातियां पैदा होती हैं लेकिन असम को छोड़कर बाकी राज्यों में इनकी पैदावार कम है। इसको बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट IBSD इम्फाल ने लखनऊ बायोटेक पार्क के साथ करार किया है। इसके तहत लखनऊ बायोटेक पार्क पूर्वोत्तर में पैदा होने वाले केलों की टिश्यू कल्चर पौध तैयार करेगा और वहां के विद्यार्थियों को इस तकनीक की ट्रेनिंग भी देगा। पार्क के वैज्ञानिकों के अनुसार जल्द ही पूर्वोत्तर से केले की प्रजातियां लाकर उनके तने और पत्तों से टिश्यू निकालकर उसे टिश्यू कल्चर लैब में रखा जाएगा। एक टिश्यू से एक बार में 50 से 60 पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इन पौधों में कीड़े और बीमारी नहीं लगेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। आने वाले कुछ वर्षों में इसे प्रदेश के किसानों के लायक भी विकसित किया जाएगा जिससे किसान नकदी फसल के रूप में इसे अपना सकेंगे। पहली बार देश में पिस्ते की व्यावसायिक खेती की शुरुआत हो रही है। देश में पिस्ते के आयात पर अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करने की बजाय देश में ही इसकी खेती करने की कोशिश की जा रही है। अभी देश में पिस्ते की नाममात्र खेती और पैदावार होती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हो रही है। देश में इस खेती की पहल इंडियन कॉफी बोर्ड के एक सदस्य ने की है। उनके अनुसार पिस्ता दुनिया में सिर्फ अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान, मैक्सिको और चीन आदि देशों में व्यावसायिक तौर पर उगाया जाता है। भारत जैसे देश इसका बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। इसकी खेती के लिए बीज तुर्की से मंगाए गए हैं। इसे जल्द ही किसानों में वितरित कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और अन्य हिमालयी राज्यों के निचले क्षेत्रों में जलवायु पिस्ते की खेती के लिए बहुत अनुकूल है जो ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की की जलवायु से मिलती जुलती है। देश में इसकी खेती शुरू होने से पहाड़ के किसान न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि देश को भी इससे मजबूती मिलेगी। इसी हिमालयी राज्यों की बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है। पिस्ते की खेती शुरू करने के लिए किसान भी उत्साहित हैं और सरकार की इस पहल का स्वागत भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में किसानों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर पावर फॉर ऑल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब गांवों में कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाएगी, साथ ही साथ सिंचाई के लिए और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के तहत अब हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, साथ ही साथ बिजली चोरी रोकने के लिए ज़रूरी कदम भी उठाए जाएंगे। इसके साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL प्रदेश के किसानों को 10,000 सोलर पंप भी वितरित करेगा। इसके अलावा बिजली की खपत कम करने के लिए LED बल्ब और पंखे भी दिए जा रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 8 उपकेंद्रों और पावर कॉरपोरेशन के 12 केंद्रों का लोकार्पण भी हुआ है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ी है। इस बीच राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर ब्लॉक मवई पड़ियाना गांव में आज़ादी के 70 सालों बाद पहली बार बिजली पहुंची। इस गांव में लगभग 300 घरों में विद्युत आपूर्ति शुरू की गई। 20 अप्रैल 2017 को लखनऊ दूरदर्शन से प्रसारित कृषि आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन के सलाहकार समिति की बैठक दूरदर्शन केंद्र के सभागार में होगी।
अपराह्न 3 बजे से प्रस्तावित इस बैठक में कृषि और कृषि संबंधित अन्य विशेषज्ञों के साथ दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। बैठक में कार्यक्रम की गुणवत्ता, उपयोगिता और सर्वसुलभता के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भावों पर। चावल का भाव लखनऊ की मंडी में 2160 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 2280 रुपए, उन्नाव में 2180 रुपए, हरदोई में 2220 रुपए और फैजाबाद में 2225 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का भाव लखनऊ की मंडी में 1625 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1640 रुपए, उन्नाव में 1625 रुपए, हरदोई में 1625 रुपए और फैजाबाद में 1630 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। आलू के भाव लखनऊ की मंडी में 500 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 485 रुपए, उन्नाव में 490 रुपए, हरदोई में 487 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। टमाटर के भाव लखनऊ की मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 490 रुपए, उन्नाव में 725 रुपए, हरदोई में 730 रुपए और फैजाबाद में 550 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। प्याज का भाव लखनऊ की मंडी में 960 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 960 रुपए, उन्नाव में 1000 रुपए, हरदोई में 890 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अरे हरकुवा, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी? अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम शाहजहांपुर के बहादुरपुर गांव में खड़े हैं, आए खेत में हैं हम, और देखेंगे गन्ने की जो ट्रेंच विधि से बुआई है उसका क्या तरीका है, उसके क्या क्या लाभ हैं। और हमारे साथ हैं इस विषय में बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रियंका सिंह, जो वैज्ञानिक हैं गन्ना शोध परिषद में। प्रियंका जी, ये बताइए कि ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई का क्या तरीका है और सबसे पहले बीज का शोधन, बीज किस तरह का लिया जाए, क्या क्या खास बात है? आज हम गन्ने की ट्रेंच विधि से जो बुआई करते हैं उसकी बात करेंगे। अभी हम लोग ज़्यादा फोकस आजकल इसी पे है कि किस तरह से हम 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करें। तो किसानों की आर्थिक व्यवस्था के सुधार के लिए, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए अब बहुत आवश्यक हो गया है कि हम उन्नत शस्य तकनीकों पर ध्यान दें। तो इसी क्रम में ये जो गन्ने की ट्रेंच विधि से जो बुआई होती है इसका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इससे जो है जमाव अधिक होता है, साथ ही उपज ज़्यादा होती है, उपज के साथ साथ जो चीनी परता होती है वो भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। तो इसकी अगर हम शुरुआत करें तो
सबसे पहले तो हम खेत की तैयारी की बात करते हैं कि खेत की तैयारी किस तरह से हमको करनी है। खेत की एक पहले गहरी जुताई करेंगे, उसके पश्चात लगभग 2 से 3 जुताई हम हैरो कल्टीवेटर से कर और पाटा लगाकर खेत को पहले समतल और भुरभुरा बना लेते हैं। इसके पश्चात ट्रेंच का मतलब होता है नाली, तो ट्रेंच डिगर आता है जिससे हम ट्रेंच बनाते हैं, उसकी मशीन आती है तो उसका उपयोग करके फिर हम इस खेत में ट्रेंच या नाली निकालते हैं। अब इस नाली का है कि एक नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी लगभग 120 सेंटीमीटर होती है और ये नाली लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी हम बनाते हैं। इसके अंदर गन्ने की बुवाई की जाती है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दो आँख के जो